हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्राफ्ट्स एंड बिल्डिंग क्राफ्ट के नए वीडियो में। सो गाइस, आज हम वापस एक बार क्राफ्ट्समैन खेलने जा रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट वाले क्राफ्ट्समैन के एपिसोड के अंदर मैंने अपने वर्ल्ड में एक बड़ा सा टॉवर बनाया था जिसका यूज हम फार्मिंग करने के लिए करने वाले थे, और वो टॉवर अभी बहुत मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। फिलहाल तो एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि हमें उस टॉवर के पास रहना पड़ रहा है। अगर हम उससे थोड़ा बहुत दूर चले जाते हैं तो उसके अंदर जो हमने वीट्स उगने के लिए लगाए हैं वो उगते नहीं है। ये प्रॉब्लम मेरे को अभी है थोड़ी बहुत, और मैं सोच रहा हूँ अभी हमें ना ब्रिज के उस साइड पे कुछ ना कुछ और बिल्ड करना चाहिए। मैंने एक कंस्ट्रक्शन सोच के भी रखा है, और वो है बार्न हाउस। आप क्या सोचते हो, बार्न हाउस मेरे को बनाना चाहिए कि नहीं? वैसे मेरे को तो लगता है कि मेरे को बनाना चाहिए, क्योंकि बार्न हाउस के अंदर हम प्राणियों को रख सकते हैं और प्राणी हमें देंगे नॉनवेज खाना। अपना टॉवर तो हमको वेज खाना दे ही रहा है, तो बार्न हाउस से हमको नॉनवेज खाना भी मिल जाएगा, और बहुत मस्त तरीके से हमारे पास खाने की कमी भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो ट्राई करते हैं बार्न हाउस बनाने से पहले मैं आपको अपना जो टॉवर मैंने लास्ट वाले एपिसोड के अंदर बिल्ड किया था वो एकदम मस्त तरीके से दिखा तो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। 10 फ्लोर्स है और इतना मेरे को दिखाने का मन भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर है ना चढ़ने को बहुत ज़्यादा ही बोर होता है। फिलहाल तो अभी यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या ही मस्त टॉवर लग रहा है। इसके 10 फ्लोर्स है, मीन्स यहाँ पर 9th फ्लोर है, बट ग्राउंड फ्लोर को अगर गिनते हैं तो हमको 10 फ्लोर्स ही मिलेंगे, और 10 के 10 फ्लोर से हमको पर फ्लोर से 30 वीट मिलता है। मीन्स अगर हम 300 वीट में कमा सकते हो एक टाइम पे, बट अगर हम इसके पास रहेंगे तो, अगर हम इसे दूर रहते हैं तो भाई साहब हमको महीने के अंदर एक बार मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। फिलहाल तो अभी यहाँ पर ये जगह मैं ना थोड़ी साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही हम अपना बार्न हाउस बनाने वाले हैं। वैसे आप लोगों को बार्न हाउस पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट उसके अंदर प्राणियों को संभालते हैं, मीन्स उनकी देखभाल करते करते उनको बड़ा कर देते हैं और उसके बाद मार देते हैं। ऐसे थोड़ा बहुत उस बार्न हाउस का रूल होता है, ऐसा मेरे को लगता है। उनके अंदर पालो, मार डालो। फिलहाल तो गाइस अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत डर्ट साफ़ कर दी है, और ये डर्ट मेरे इन्वेंटरी के अंदर कलेक्ट भी नहीं हो रही, क्योंकि मेरी इन्वेंटरी पूरी तरीके से भर चुकी है। वैसे गाइस मैं सोच रहा हूँ हमें ना बार्न हाउस थोड़ा बहुत छोटा बनाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सारे टाइप के एनिमल होंगे। मीन्स अपने जो 4 प्रकार के एनिमल्स हैं, चिकन, पिग, काऊ एंड शिप, यही हमको फिलहाल अपने यहाँ पर मिलने वाले हैं। बाकी तो अलग अलग बायोम्स के अंदर जाना पड़ेगा, और वो लोग हैं ना कुछ खाने को देते भी नहीं है। मीन्स उनसे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता खाने के लिए। वैसे अभी यहाँ पर ये थोड़ा बहुत मैं तोड़ देता हूँ हाथ से, भाई साहब शवेल भी नहीं है मेरे पास। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी यहाँ पर उस रात मैंने सारी डर्ट साफ़ कर दी थी और यहाँ पर सोने के लिए आ गया, वरना मॉप्स मेरा भूत बना देते। फिलहाल तो अभी यहाँ पर है ना मैंने थोड़े बहुत अपने एरिया की डिज़ाइन कर दी है, और यहाँ पर अपना खाना पक रहा है। मैं ना भाई साहब यहाँ से पेड़ तोड़ता हूँ, उनका वुड बेचता हूँ, और पास वाले गाँव में से खाना खरीद कर लाता हूँ, जो कि बहुत मस्त डिस्काउंट में मिल रहा है। फिलहाल तो अभी यहाँ पर मैंने एक ना अपने पेड़ों के बाजू में छोटा सा फार्म बना दिया, और मैंने लोन पर पोटैटोज लिए थे, और अभी मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा पोटैटोज हैं। फिलहाल तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक प्राणियों को संभालने के लिए एक ऐसा बना दिया था फेंस लगाकर, इसके अंदर मैंने गड्ढा कर दिया, क्योंकि है ना प्राणी आई थिंक जैसे रात हो जाते हैं या फिर हम दूर चल जाते हैं उस फेंस के बाहर आ जाते हैं, पता नहीं कैसे बट आ जाते हैं। फिलहाल तो गाइस अभी मैंने सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लिया है, मीन्स सारा तो नहीं किया है, थोड़ा बहुत अपने इसके अंदर है, ये स्टोरेज रूम के अंदर है, तो यहाँ से लेकर भी आते हैं, वरना एक ही टाइम पे सामान रख देता हूँ। काश मेरे पास शल्कर बॉक्स होता, बट शल्कर बॉक्स तो इस क्राफ्टमैन के गेम के अंदर ही नहीं है। फिलहाल तो यहाँ से मेरे को ये उठाने हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत है ना फेंस की डेकोरेशन भी करनी है। अभी मैंने बहुत सारे फेंस बना दिए जो कि मेरे को अपने जो बार्न हाउस है उसको एक बाउंड्री देने के लिए यूज़ करने हैं। कि तो अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, बट यहाँ पर है ना थोड़ा बहुत एरिया एकदम उबड़ खाबड़ है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। पहले तो मेरे को एक लाइन बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मेरे को डर्ट फील करनी है, तो ही मस्त तरीके से अपना बार्न हाउस का एक हम बाउंड्री बना सकते हैं। मीन्स उसके ऊपर ही हमको फेंस लगाने हैं, तो ऐसे आड़े टेढ़े लगाऊंगा तो वो एकदम अजीब सा लगेगा। वैसे अभी यहाँ पर मैंने वो सब कुछ काम कंप्लीट कर दिया है, बट ये डर्ट है ना ये कब ग्रास के अंदर कन्वर्ट होगी मेरे को पता नहीं। फिलहाल तो ये क्या है भाई, मेरे को अभी यहाँ से अपने बार्न हाउस को बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं एकदम ब्रिज से चिपक के नहीं बनाने वाला, तो पहले हमको फेंस लगाने पड़ेंगे। और भाई साहब मैं 2 सेकंड में फेंस लगाता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। ओके गाइस, तो फेंस लगाने का काम तो मैंने अभी कर दिया है, तो अभी हमको यहाँ से अपने स्टोरेज रूम से बार्न हाउस को बनाने के लिए जो ब्लॉक्स मैंने कलेक्ट करके रखे हैं वो उनको लेना है, और मैं रेड कलर से अपने बार्न हाउस को बनाने वाला हूँ, क्योंकि बार्न हाउस तो रेड कलर का ही मस्त दिखता है। वैसे अपने क्राफ्ट स्कैन के अंदर एकदम मस्त टाइप का रेड कलर नहीं है, अगर है तो वुल है, और वुल का यूज़ नहीं करने वाला मैं अपने बार्न हाउस को बनाने के लिए, तो मैंने इस क्ले का यूज़ किया है अपने बार्न हाउस को बनाने के लिए, मीन्स किया नहीं है करने वाले हैं। और फिलहाल अपने इन्वेंटरी के अंदर स्पेस नहीं है भाई साहब, और मेरे को अभी और भी लेने के लिए जाना पड़ेगा ये रेड वाली क्ले।
तो गाइस अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे को ये चेस्ट पूरा का पूरा भर चुका है। मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत रख दिया है और इस वाले छोटे चेस्ट के अंदर भी मैंने बाद में जो कलेक्ट करके लाया था और क्ले वो रख दिए। और यहाँ पर है ना उसी टाइम में मैंने एक छोटा सा स्टोन का एक घटिया सा फार्म बना दिया, मीन्स एकदम सस्ता सा फार्म बना दिया है। इससे मेरे को स्टोन्स मिल रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को है ना जहाँ पर मैंने अपने प्राणियों को गड्ढा करके रखा है ना वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ ऐसे डेकोरेशन करेंगे, तो उसके लिए मेरे को स्टोन ब्रिक्स चाहिए थे, तो इसके वजह से मैंने यहाँ पर छोटा सा फार्म बना दिया है। वैसे कहते अपने फार्म के अंदर सब कुछ उग चुका है बट ये हमको है ना अपने बार्नहाउस को बनाने के बाद एकदम क्लियर करना चाहिए। ऐसे थोड़े बहुत है ना फ्लोर्स के ऊपर एक एक दो दो उगे नहीं है तो उनके लिए हमको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, वो जल्दी से उग जाएंगे तो हम फार्म की मीन्स फार्म स्टार्ट कर देंगे और सारे के सारे चेस्ट के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। वैसे अभी चलते हैं बार्नहाउस को बनाने के लिए, लेट्स गो। तो अभी बात है अपने बार्नहाउस की, अपने माइंड के अंदर एक ब्लू फ्रेम रेडी करने की। फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो घर है उसके साइड पे मैं अपने बार्नहाउस का मुंह रखूँ, और अगर हम घर के सामने मुंह रखेंगे तो वहाँ से आते हुए लोगों को दिखेगा, बट लोगों को दिखाने के लिए मेरे को थोड़ी बनाना है, मेरे को एकदम बड़ा सा एकदम मस्त सा बार्नहाउस बनाना है। तो अभी काम शुरू करते हैं, मैंने आइडिया सोच लिया है। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर एक पिलर बना दिया है और वो मैंने बनाया है रेड कलर के इस क्ले से, और ये रेड कलर की है या फिर किस कलर की मेरे को नहीं पता, आई थिंक हार्डन क्ले है। तो अभी इसका यूज़ करने वाले हम लोग भाई साहब, अभी इससे मेरे को थोड़ा बहुत और ऊपर इसको लेके जाना है और अपने बार्नहाउस को बनाने का काम फटाफट से कंप्लीट करना है। तो अभी यहाँ पर ऐसे मैं वॉल बनाते चाहता हूँ फटाफट से, और ये मेरे को हर जगह पर मीन्स चारों साइड पे रेड कलर की वॉल लगानी पड़ेगी। तो गाइस वॉल्स लगाने के बाद अपना कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे टाइप का दिख रहा है और ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा भाई साहब, बहुत ज़्यादा घटिया सा लग रहा है। मेरे को अभी इसके अंदर और क्या चेंज करना चाहिए ये भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो मैंने ब्लॉक्स लगाए हैं उन्हीं ब्लॉक को मैं यूज़ करने वाला था अपने बार्नहाउस को बनाने के लिए, और अभी वही इतने घटिया लग रहे हैं तो और कौन से ब्लॉक का यूज़ करूँ मैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है। वैसे भी ये डोर तो एकदम मस्त लग रहा है, अगर हम सामने से देखेंगे तो ये डोर हमको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा, बट यहाँ का क्या करें, इस डोर को कैसे बनाएं ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देख के ट्राई करते हैं, मैं ना थोड़ा बहुत बनाकर आपको मिलता हूँ जल्दी से। गाइस अभी मैंने अपना बार्नहाउस पूरा कंप्लीट कर दिया है ऐसा ही मैं अभी कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जैसा अपने माइंड के अंदर सोचा था रेड कलर का बार्नहाउस होगा, वाइट कलर की बाउंड्रीज होगी, वैसा बार्नहाउस अभी रेडी हो चुका है। तो अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ, पहले हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ओके गाइस तो अभी यहाँ पर मैं ऊपर तो आ चुका हूँ और ये रहा अपना बार्नहाउस, कैसा लग रहा है मेरे को बता देना, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और अगर गंदा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, और क्या ही हम बता सकते हैं अभी फिलहाल। तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा मैंने माइंड के अंदर सोचा था वैसा तो ये कतई नहीं है। फिलहाल तो इस साइड से ये ऐसा दिख रहा है, और ऊपर की साइड मैंने ना बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, ऊपर की साइड मैंने स्क्रूज के लॉग लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और उसकी डिमांड बहुत है पास वाले गाँव के अंदर। फिलहाल तो यहाँ पर जो मैंने ये स्टेयर्स लगाए थे उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उसका यूज़ मैंने करा था टॉर्च लगाने के लिए। फिलहाल तो अभी यहाँ पर रात हो रही है और वहाँ पर अंदर बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन हो सकते थे, इसकी वजह से मैंने वहाँ पर वो बनाया। वैसे अपना ब्रिज देखो कैसा दिख रहा है, मेरे को ना अपने ब्रिज जैसे मस्त एकदम लुक देनी है, आई थिंक हमको स्टोन ब्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा अपने बार्नहाउस को बनाने के लिए, तो ही अपना बार्नहाउस एकदम अपने ब्रिज जैसा कूल लगेगा। वैसे अभी है ना मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अभी हम अपने फार्म के अंदर चलते हैं और यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। ऐसे गाइस लास्ट टाइम जब मैं इस फार्म के अंदर प्लांटिंग कर रहा था सीड्स की, तब मैंने आई थिंक लास्ट वाला फ्लोर छोड़ दिया था क्योंकि मेरे सीड्स खत्म हो चुके थे। अभी फिलहाल हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से मेरे को ये लीवर ऑन करना है और पानी पूरे पूरे टॉवर में फैल जाएगा और जाके सीधा नीचे वाले हॉपर के पास रुकेगा, और अपना फार्म बहुत मस्त तरीके से वर्क कर रहा है ये हमको बार बार दिख रहा है। वैसे अभी यहाँ पर रात भी हो चुकी है, अभी मैं यहाँ से जल्दी से कूद के एक MLG कर लेता हूँ फटाफट से। भाई साहब अभी मैं नीचे तो आ चुका हूँ और यहाँ पर कितना सारा वीट यहाँ पर आ रहा है, लेट्स गो। आप देख ही पा रहे हो अपना फार्म क्या ही मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी थोड़ा बहुत है ना ऐसे ये स्लैब्स है ना बाजू के जो कि मैंने पानी को यहाँ वहाँ ना जाने के लिए लगाए हैं, वहाँ पर भी रुक रहे थोड़े बहुत वीड्स, तो उनके ऊपर ध्यान मत दो। फिलहाल अपना फार्म बहुत मस्त तरीके से वर्क कर रहा है और कितने सारे 1,200-300 यहाँ पर आ रहे हैं, बट 300 ही आ रहे हैं मेरे को पता है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 ही रहेंगे और तो उससे कम ही रह सकते, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ब्लॉक्स मैंने पूरे गिन के यहाँ पर थोड़ा मेजरमेंट किया है। और ये रहा अपना बार्नहाउस, एकदम घटिया सा लग रहा है, अपना टॉवर कितना मस्त है और अपना बार्नहाउस एकदम घटिया सा उसके सामने। फिलहाल तो कोई नहीं, अभी हम उसको है ना वापस से एकदम बढ़िया बनाने की ट्राई करेंगे। मेरे को वुड और अपने जो स्टोन ब्रिक्स है ना उनका यूज़ करना पड़ेगा, तो ये अपना आई थिंक बार्नहाउस बहुत मस्त तरीके से बन पाएगा। अभी फिलहाल ये आई थिंक ख़त्म हो गया और अभी सिर्फ और सिर्फ पानी आ रहा है, तो अभी हम चलते हैं।
और गाइड्स अभी हम देखेंगे अपने चेस्ट के अंदर कितने वीड्स कलेक्ट हुए हैं। भाई साहब सीड्स ही कलेक्ट हो रहे हैं, वीड भी कलेक्ट हो जाओ भाई साहब, क्या ही घटिया तरीके से फार्म वर्क कर रहा है यार, क्या बताया अभी। तो गाइज अभी यहाँ पर हमने बार्न हाउस बनाने का ट्राई तो किया, बट जैसा मैं चाहता था वैसा बना नहीं है। बट मैं सोचूंगा, थोड़ा बहुत टाइम लूँगा डेकोरेशन के ऊपर इसके, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत बेस्ट बार्न हाउस बना पाऊँगा, तो ट्राई करूँगा। अगर बन पाएगा तो बना दूंगा, अगर नहीं बन पाएगा तो भी बना दूंगा। अगर आप लाइक करेंगे तो नेक्स्ट वाला एपिसोड बहुत जल्दी आएगा। और गाइज मेरे को बताना कि मेरे को नेक्स्ट वाले एपिसोड में क्या करना चाहिए। वैसे मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मेरे को नेक्स्ट वाले एपिसोड में क्या करना चाहिए, बट आप लोग भी बता देना वैसे मैं फार्म ही बनाने वाला हूँ कौन सा, तो जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और इस बार्न हाउस के अंदर हम प्राणियों को भी लाएंगे आई थिंक नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, और बार्न हाउस बहुत सही तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले क्राफ्ट एंड सीरीज के एपिसोड के अंदर। बाय बाय टाटा गुड बाय चलता हूँ।